है वो भी आनंद इंसान जो है वो उठा सकता है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो कुछ बोट पड़े हुए हैं, जो पुराने यहाँ पर बोट हैं, जो शायद मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ पर बोट ये रखे गए थे। इनमें से दो बोट जो है कि खराब दिख रहे हैं, लेकिन एक बोट जो है शायद अभी वो सही है। हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आज फिर से मैं हाजिर हूं। आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जहां गोपालदास बांध, ये गोपालदास बंधा के नाम से जाना जाने वाला जो ये एक बांध है जहां पर ढेर सारा पानी इकट्ठा है ये पूरे सीधी जिले में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो गोपालदास बांध जो है या गुरियरा बांध जो है, दो बांधों को जो है बना दिया गया नौका विहार, ताकि जो यहाँ पर ग्रामीण जन से लेकर के जो बड़े बड़े लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो नौका विहार का वो आनंद ले सकें। लेकिन हाल ही में देखा गया कि यहाँ का भी नौका विहार का उद्घाटन किया गया। माननीय कलेक्टर सीधी के साकेत मालवी, माननीय केदारनाथ शुक्ला, यहाँ के विधायक सीधी के और कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा यहाँ का फीता काटा गया, उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान उन्होंने उस नौका विहार के नाव में बैठकर उन्होंने भ्रमण भी किया। लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज नौका विहार यहाँ से गायब हो गया है। पता नहीं क्यों भाजपा सरकार, देखिए एक तरफ तो फीता काटती लेकिन दूसरी तरफ वही चीज़ें गायब हो जाती हैं। क्या ये सिर्फ फोटो वीडियो तक ही सीमित हो रहती हैं? क्या ये खबरों तक ही सीमित रहता है कि बस खबर चल जाए फीता कटा है और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसके बाद गायब कहाँ हो जाती है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो नौका विहार देखा जा रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं है जिससे मैं बयान ले सकूं, पूछ सकूं कि भाई साहब कितने दिन आपने उसका आनंद लिया है। एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। जहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, दूर दूर तक आप देखिए कि इस जो ये बांध है, बांध के दौरान ना कोई नाव चल रही है, यानी कि जो बोट है बोट नहीं चल रही, ना ही कोई आदमी दिख रहा, यानी कि कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा, बल्कि एक गंदा पानी सीधे देखने को मिल रहा है। इसकी कोई सफाई नहीं हो रही, लेकिन आनंद के लिए जो है इसे बना दिया गया नौका विहार। हर वक्त जो है भाजपा सरकार की नीतियों का पता तो चलता है, लेकिन तब जब कोई आके अनाउंस करता है, माइक पर बोलता है और सोशल मीडिया से लेकर के अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह तक वो बातें पहुंचती हैं, लेकिन उसी के कुछ दिन बाद जो है वो जो योजना होती है वो गायब हो जाती है। हालांकि ऐसा ही देखा जा रहा है कि लाडली बहना योजना को कहा जा रहा कि 5 जून को पहली राशि आएगी, लेकिन क्या आएगी या नहीं ये तो बात की बात है। जब आएगा वो वक्त तब देखा जाएगा कि कितने दिन जो है भाजपा सरकार ये लाडली बहना योजना का फायदा, ये जो कमला कॉलेज उसके जस्ट पीछे ये नौका विहार बताया जा रहा है, आप देख, सवाल ये उठता है जहां इस टाइम पर मैं खड़ा हूं, जहां आपको बता दूं कि वक्त हो चुका है इस टाइम पर 6:30 के करीब शाम का ये वक्त है, जो कि बता दूं कि ये पड़रा के अंतर्गत आता है, जो यहां पर सीधे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कमला कॉलेज, कमला कॉलेज के जस्ट पीछे है। और ये जो कमला कॉलेज है उसके जस्ट पीछे ये जो नौका विहार बताया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यही नौका विहार है जहां पर कोई बोट मौजूद नहीं है। आम जनता यहां पर आए तो आखिर में क्यों आए? जब खबरें चला दी जाती हैं, जब आम जनता को पता चल जाता है, तो वही पता होने के बाद लोग जब आना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हालांकि मेरे पास जब फोन लगाया गया, जब मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ का नौका विहार गायब हो गया, तो मुझे तो ये लगा कि नहीं, ये शायद झूठ बोल रहे होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर खुद पहुँचा आज देखने के लिए, तो यही देखिए पड़ताल के दौरान यहाँ पर जो नौका विहार है वो गायब है। हालांकि यहाँ पर रेस्ट हाउस है जो आपको देखने को मिलेगा, रेस्ट हाउस के अंदर ही बहुत सारी व्यवस्थाओं का भी कहा गया कि यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएँ होंगी, लेकिन गया तो गया कहाँ नौका विहार, ये भी देखने लायक बात रही। पोल लगातार खुलती है और हम भी पोल खोलने में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार देखा जाता है कि यही है भाजपा सरकार जो सीधी में इस तरीके के लगातार फीते तो काटे जाते हैं, लेकिन फीता काटने के बाद वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। लगातार जुड़े रहिए तरंग 24 न्यूज़ से, और भी खबरों से आपको रूबरू करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रयास करूंगा अंदर जाने की, कि देखता हूं कि अंदर जो है ऐसा तो नहीं कि शायद दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पर शायद मुझे बोट देखने को मिल जाए। लगातार जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आप लोगों को बताता चलूं कि इस नौका विहार में जो है देखा जा रहा है, जहां आपको बता दूं कि ये रेस्ट हाउस जो है सीधी जिले का गोपालदास बंधा, और उसके जस्ट बगल में इस रेस्ट हाउस में नौका विहार को लेकर के जो चर्चा है, आपको मैं बता दूं कि यहां पर नौका विहार देखने को कहीं नहीं मिल रहा। कोई यहां जो है नाव नहीं है और ना ही कोई यहां विहार है।
सीधे देखा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं देखी जा रही जो कि यहाँ पर लोगों के लिए, आम जनता के लिए मौजूद हो। हालांकि मैंने जब पूछा तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर नाव तो रखी हुई है अंदर, वो भी शटर से बंद है, लेकिन सबसे बड़ी चीजें ये जो देखी जा रही है कि यहाँ पर भ्रमण करने या करवाने के लिए कोई नहीं है। आम जनता जो है अभी तक शायद इस बात से परिचित नहीं थी कि इसे जो है नौका विहार कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर आम जनता जो आ रही है, लेकिन जब देखने को नहीं मिलता तो क्या यहाँ पर भ्रमण करेगी। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि काफ़ी दूर तक इंसान यहाँ पर जा सकता है और टहल सकता है, और यहाँ के जो लुफ्त है वो भी आनंद इंसान जो है वो उठा सकता है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो कुछ बोट पड़े हुए हैं, जो पुराने यहाँ पर बोट हैं, जो शायद मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ पर बोट ये रखे गए थे। इनमें से दो बोट जो है कि खराब दिख रहे हैं, लेकिन एक बोट जो है शायद अभी वो सही है। जहाँ ये देखा जा रहा है कि इस बांध में इतने सारे लोग आते रहे होंगे शायद, लेकिन अब जो देखा जा रहा है वो मुद्दा यही है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं है जिसे नौका बिहार हम कहें। लगातार जुड़े रहिए, और भी हम आपको जो है कुछ लोगों से मिलवाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो नौका बिहार का जो नाव है वो कैसे है और कहाँ रखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों जो है मैं इस टाइम पर यहाँ पड़रा के रेस्ट हाउस में, जहाँ नौका बिहार का उद्घाटन माननीय यहाँ के विधायक केदारनाथ शुक्ला के द्वारा जो किया गया था, और वहीं मौके पर जो है हर जगह खबरें चली, लेकिन आम जनता जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर आम जनता नहीं पहुँच रही। और जस्ट हमारे पीछे जो है यहाँ पर उसकी नाव रखी हुई है, पानी में रखा ही नहीं जा रहा, और ना ही कोई यहाँ पर इसको चलाने वाला या कोई यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है। यहाँ पर जो है आप चौकीदार हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि क्या इसका जो है पर्पज है रखने का और क्या पूरा मामला है। जानना चाहूँगा पहले तो आपका नाम। हमारा नाम जनार्दन प्रसाद गुप्ता है जी। गुप्ता जी ये बताइए कि यहाँ पर आम जनता कभी को लेकर के आई क्या? जब से रखा गया ना तब से कोई नहीं आया, यहाँ रख कर चले गए। लेकिन जब ये चलता ही नहीं तो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि? आप क्या बताएं, कोई नहीं आता है। श्रीमान जी आज आप आए हैं, एक दिन और एक दो आदमी आए, जब यह चलेगा पानी में लोग देखेंगे तब ना आएंगे। तो यहाँ पर चलाने वाला ही कोई नहीं है या इसकी कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है? अब ये चौकीदार हैं, हम लोग तो ही रख दिए हैं, तो चले गए हैं तो चले गए हैं, हो गए। तो कोई यहाँ पर उसकी व्यवस्था के लिए आ रहा है ना कोई आम जनता आ रही? नहीं, जनता नहीं आ रही। जिस दिन फीता वगैरह कटा उस दिन आप थे या नहीं थे? हम यहाँ वीआईपी में थे, अपने ड्यूटी में। वीआईपी में थे हम, वीआईपी तो आपने भी देखा कि विधायक वगैरह सब सब यहाँ पंडाल उंडाल लगे, पानी चले गए चले गए तब तक अभी तो कोई नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है या जो ली जा रही है उसमें स्पष्ट ये बात देखी जा रही है कि ये पानी में तो उतारा ही नहीं जा रहा, और जब पानी में नहीं उतारा जाएगा तो आम जनता कैसे आएगी। सवाल ये उठता है कि लगातार कहीं ना कहीं फीता तो कट जाता है, रस्सी बंधी रहती है, उसे आकर काट देंगे, लेकिन उसके आगे का जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। भाजपा सरकार की खोखली जो नीत होती है लगातार यही देखी जाती है कि हर जगह का कहीं ना कहीं ऐसी बात जरूर सामने आ जाती है कि रोड नहीं बनती लेकिन कागजों में पास होकर पैसा आ जाता है, ग्राम पंचायत का सरपंच खा जाता है। यही सारी चीजें जो है भारत सरकार के इस नीतियों में देखी जा रही है। और वहीं फिर से आज एक मामला जो आपके सामने है कि विधायक आते हैं, कलेक्टर आते हैं, सीईओ साहब आते हैं, जिला पंचायत के यहां तक कि कलेक्टर महोदय आते हैं, सारे लोग आते हैं, इसके बाद फीता कटता है और फिर से सब कुछ रखा गया, भैया यहां कोई मौजूद नहीं है। लगातार जुड़े रहिए तरंगड़ी फोर न्यूज से, लेकिन इस मामले पर अभी भी हम खामोश नहीं बैठेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जनता के लिए क्या आखिर में किया जा रहा, कलेक्टर से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।